फाइनली चीयर लीडर भी नजर आ गई। ले गए भाई, सूर्या भाई ले गए। सलाम नमस्ते तत्रिया दोस्तों, एक्साइटमेंट देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। मैं जा रहा हूँ IPL देखने, तो शुरू होने वाला मैच। बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है, मैंने इजी ले लिया था, मुझे लगा टिकट शिकट मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं था, ब्लैक में लिया भैया, ब्लैक में। तो पैदल चलने में भाई, पैदल चलना भी बहुत है यहाँ पे। वो लगता है स्टेडियम करीब है, वो ऊँची ऊँची लाइटें होती है, लेकिन वो होता दूर है। तो जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको क्या सीन है, बहुत रश है, ये चेक करें। तो गेट नंबर 5 है मेरा, 3 आ गया, 5A है जी गेट, जा रहा हूँ तो बताता हूँ आपको। आगे चेक करें, रश देखें, ये ट्रैफिक यार, लेकिन ट्रैफिक का फ्लो बहुत फिट रखा हुआ है उन्होंने, नो डाउट। जगह जगह पे पुलिस वाले हैं, जगह जगह पे लोगों की एक्साइटमेंट यार, ये तो ऐसे ही हो रहा है कोई। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल मैड्रिड का मैच होता है, इतनी एक्साइटमेंट लोगों में, फैमिलीज आ रही हैं, क्या बात है। ये वानखेड़े, आज आपको फुल रिव्यू मिलने वाला है वानखेड़े का यार, इन वाले घरों की मौज है। तो दोस्तों, मैंने टैक्सी वाले को कह दिया था मुझे वानखेड़े से थोड़ा पहले उतार देना, ताकि मैं थोड़ी सी वॉक भी करूं और ज़रा कुछ देखता भी जाऊं कि भाई सराउंडिंग में क्या है। और मैं वाकई, ये डिसीजन बहुत अच्छा था और मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। आ गए भैया वानखेड़े का पार्क है ये, जहाँ ट्रेनिंग होती है। भाई बड़ी ही टाइट सिक्योरिटी थी, जो कि देख के बहुत अच्छा लगा। ये देखे वानखेड़े की आउटसाइड, हार्दिक पांड्या विद साइकिल, क्या बात भाई, ये देखे आहा, मुंबई इंडियन। हम अंदर जा रहे हैं वानखेड़े के, ये आउटसाइड अंदर जा रहे हैं। चार दफा सिक्योरिटी चेक, चार रेप्लिका 2000, बहुत अच्छी वाली। तो ये है हमारा गेट 13 और ऊपर जाएंगे तो हार्दिक पांड्या वाला। दोस्तों, गर्मी ने तो पहले ही आधा एग्जॉस्ट कर दिया था, और जब इतनी ज़्यादा स्टेयर्स आई, क्योंकि बहुत ही ऊपर था, देखने में लग नहीं रहा था कि आपको तकरीबन 4 फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा, और तब तो बिल्कुल ही जो नहीं कहते भाई, एग्जॉस्ट ही हो गया। तो फाइनली हम अपनी सीट तक पहुंच गए और बिल्कुल टॉप ऑफ द हम स्टैंड बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था व्यू, बड़ा फिट किस्म। ये आपको पूरे वानखेड़े का दिखा रहा हूँ मैं, ये देखें भाई, वाह क्या एनवायरनमेंट है भाई, लेवल है लेवल, क्या बात है। सबसे ऊपर बैठे हैं हम, ऊपर से व्यू ही आ रहा है। Yeah!
दोस्तों एक्साइटमेंट मेरी इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे आके लोगों को देखते कि भाई मुझे लग रहा था जैसे मुंबई इंडियन मेरी टीम है और पता नहीं मैं कब से सपोर्ट कर रहा हूँ और एट एनी कॉस्ट मुंबई इंडियंस को आज जीतना ही जीतना है। बहरहाल मुझे बताया गया कि मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड इस आईपीएल में अच्छा नहीं था और आजकल बहुत ही डाउन जा रही थी, लेकिन मुझे ये था कि आज का मैच ज़रूर जीतना चाहिए। तो दोस्तों जितनी गर्मी थी तो भाई पानी तो बार बार यहाँ से बाय करना पड़ना था, तो बिस्लरी वाले भाई नज़र आए, फ़ौरन उनको मैंने बुलाया और कहा भाई ज़रा पानी दे दो, लेकिन फिर देखते हैं कहाँ से पानी वैसे अवेलेबल है, क्योंकि ज़रा हर बंदा तो ख़रीद के नहीं पी रहा, क्योंकि अगर आप पानी ख़रीद के पियेंगे तो भाई मेरा ख्याल है 1000 रुपये का तो पानी आ जाएगा पूरे आईपीएल के मैच में। तो भाई फाइनली चीयर लीडर भी नज़र आ गई, जो कि हम टीवी में देखते थे आईपीएल की एक आप समझ लें कि आइकॉनिक सी चीज़ है, और ये चारों तरफ थी ग्राउंड्स के, एक तरफ नहीं थी, तो टीवी में तो आइडिया नहीं होता उस तरह से, तो लेकिन ये चार तरफ इनका एक स्टेज लगा हुआ था, बड़ा ही एनर्जी थी, हर चौके छक्के पे विकेट पे इन्होंने उठ के डांस करना था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों अभी तो फ़िलहाल दूसरी टीम खेल रही थी और भाई मैंने कहा यार ज़रा मुंबई इंडियंस का टाइम थोड़ा डाउन चल रहा है तो क्यों ना दूसरी टीम को भी सपोर्ट किया जाए, तो फ़िलहाल तो ज़रा जिस तरह ट्रेविस हेडवाई मार रहे थे और जिस तरह चौके छक्के हो रहे थे और नो बॉलें हो रही थी मुंबई इंडियंस की जानिब से, मुझे तो लगता है भाई ये वाला आईपीएल में ये वाला मैच भी मुंबई इंडियन का जाने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंजॉय करते हैं, हम तो क्रिकेट को सपोर्ट करने आए हैं, कोई मसला नहीं, तो मैं तो फुल इंजॉय कर रहा था। और मेरे आसपास कुछ दूसरे दोस्त भी थे जो कि हैदराबाद से आए हुए थे और वो दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, तो कभी मैं उनके साथ मिल जाता था, कभी मैं मुंबई इंडियंस वालों के साथ मिल जाता, तो बड़ा ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था। अरे वाह भाई ट्रेविस हेड भाई खूब फॉर्म में आए हुए हैं, फ्री हिट फिर फ्री हिट, ओ एक और मार दिया भैया, बहुत ही मजा आ रहा है यार वाकई जो आईपीएल का एनवायरनमेंट है। तो दोस्तों यहाँ मैं ये बताता चलूँ, भाई मैंने दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं, आईपीएल के अलावा पीएसएल देखा है मैंने, बिग बैश लीग देखी है, इसके अलावा अबू धाबी जो T20 लीग होती है वो देखी है, और बाकी इंटरनेशनल मैचेस तो बहुत ही जगह पे देखे हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, दुबई में, श्रीलंका में, साउथ अफ्रीका में, लेकिन मैं ये बता दूँ जो इन्वायरमेंट मैंने अब तक क्रिकेट का यहाँ पर देखा है शायद ही मैंने इससे पहले ज़िंदगी में वो नहीं देखा। क्या बात है क्या बात है, फाइनली मुंबई इंडियन को विकेट मिल गई, फाइनली फाइनली चल रही। तो दोस्तों मैच तो चलता रहेगा, चलें अपने को खाबे शबे का इंतज़ाम करते हैं, तो भाई यहाँ पे मैकडोनल्ड वाले जो थे वो एक बॉक्स लेके बार बार फिर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना एक आईपीएल वाला मैकडोनल्ड खाएं, देखते हैं इसमें क्या फ़र्क होता है, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं होगा लेकिन क्यों ना ट्राई करने में क्या हार जाए। तो भाई फूड व्लॉगर है तो आईपीएल का बर्गर खाएंगे, 300 रुपए का मील के बगैर मैक चिकन खा के देखते हैं कैसा है। मैक चिकन आईपीएल वाला 300 रुपए का सिर्फ बर्गर, हम भी वानखेड़े में बैठ के खाते हैं। सात बर्गर खा रहे हो, सात आईपीएल चल रहा है, क्या बात है।
मुझे लग रहा था फ्रेश नहीं होगा, है अच्छा। दोस्तों जब भी मैं टीवी पे आईपीएल देखता था तो हर बंदे के हाथ में ये आईपीएल के फ्लैग्स देखता था, उनके अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, जो बहुत ही अच्छा लगता था देख के। लेकिन एक चीज़ की हैरानी होती थी, ईच एंड एवरी पर्सन जो भी है स्टेडियम में, उसके पास ये कहाँ से आता है? क्या ये स्टेडियम वाले देते हैं या बाहर से बाय करते हैं? तो यहाँ के पता लगा कि हर सीट के ऊपर जो उनकी लोकल टीम है उसका फ्लैग पड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों मैंने सोचा नीचे जाके थोड़ा चीयर लीडर्स को करीब से देखें, ज़रा स्टेडियम की एक और लुक भी देखे भाई, क्योंकि ऊपर से एक व्यू अलग था और नीचे जाके अलग था। मैं हर तरह से स्टेडियम को देखना चाहता था, क्योंकि पता नहीं लाइफ में कभी यहाँ आने का मौका मिले या ना मिले। यहाँ एक एक सीट जो है एलोकेट की हुई, ऐसा नहीं है कोई कहीं पे भी बैठ जाए। मैंने थोड़ी सी अपनी सीट चेंज किया तो भाई वो आ गए भाई साहब, अरे भाई साहब टिकट का है, वेल डन। एक एक सीट का हिसाब है। कैश ड्रॉप कर दिया। आउट हो गया। और ये देखिए तो दोस्तों ये इतना ऑर्गेनाइज था कि यहाँ पे ऐसा नहीं आप अपनी सीट छोड़ के कहीं पे बैठ जाएं, हर जगह पे लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे, बाबा आपका टिकट चेक करते थे। तो प्रॉपर एक इंटरनेशनल जिस तरह इवेंट होता है उस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जो कि देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोई भूख लग रही है, खाना है मोमोज, वाह मोमोज हैं। ये क्या है भाई, भेल, भेल तैयार हो रही है यार। पानी कहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं है कोई? बिस्लेरी ये नूडल्स हैं, ये जूस है, पानी ढूंढ रहे हैं। तो भाई पानी बार बार पीते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकती है। और ये पानी के लिए हर जगह नहीं है, मैं जिस फ्लोर पे हूँ पानी नहीं है। ओ वो नज़र आ गया, यस नीचे है पानी। ये देखो, ये आप देखते हैं यहाँ पानी कितने का है भाई। बिस्लरी देना है यार, ये बड़ा सीन है, 20 रुपये की बोतल। ये कितने की बोतल है? बोतल नहीं देते, ये देते हैं तो 20 रुपये का। एक मिनट में ख़त्म हो जाएगा यार ये तो क्या है। ये भाई 20 रुपये का पानी है आईपीएल में। तो भाई 20 रुपये का पानी पी रहे हैं आईपीएल में। लेकिन ये खैर, ये मेरी वीडियो कौन से करोड़ों लोगों ने देखनी है, लेकिन यार ये पानी तो होना चाहिए, क्योंकि आप 4-5 कप तो पी जाओगे आराम से, ज़्यादा पी जाओगे जितनी गर्मी हो रही है। तो अगर हर बंदे पे 100-100, इस समय जितनी अटेंडेंस है 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। वहाँ पर भी है कहीं पानी, देखते हैं। ये फ्री है यार, वो बता नहीं रहा, मैंने पूछा पानी, वो कहता ख़रीदना ही पड़ेगा। भाई ये जो भी व्लॉग देख रहे हैं ये फ्री है, पता ही नहीं था। सामने 20 रुपये का बेच डाला, लोग वहाँ पे कह रहे हैं सस्ता करो। अच्छा एक भाई साहब ख़रीद रहे थे पानी, मैंने बताया वो आगे फ्री है, वो समझे मैं कोई स्कैम कर रहा हूँ। वो कहते नहीं यार अब यहीं से ले लेंगे। ये भी सही है भाई। लोगों का एतवार उठ चुका है सबसे। तो दोस्तों जैसे मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहा था, कई दफ़ा तो आसपास वाले मुझसे बार बार पूछ रहे थे भाई कहाँ से आए हो, लगता है बहुत ही पैशनेट सपोर्टर हो मुंबई इंडियंस के। लेकिन उन्हें कैसे बताओ भाई, मैं तो ज़्यादा एक्साइटेड था, वानखेड़े में मैच देख रहा था और आईपीएल देख रहा था। भाई आईपीएल मैं तो व्लॉग के लिए लिया है। तो दोस्तों समोसे वाला भी बार बार आ रहा था, मैंने कहा क्यों ना आईपीएल का एक समोसा भी खा लिया जाए, ताकि यादगार रहे भाई आईपीएल में बैठ के हमने भी एक समोसा खाया था, जो एवरेज सा था, इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन भाई आईपीएल में बैठ के मिला था तो इसलिए उसकी जो अहमियत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
तो दोस्तों जब मुझे लगता था थोड़ा सा माहौल डाउन हो गया है, तो मैं मुंबई इंडियन का सपोर्टर बन के ज़रा बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ डांस करने लग जाता था ताकि आसपास वाले लोगों को भी ज़रा थोड़ा मोटिवेशन मिले। भाई मुंबई इंडियन की अब अच्छी खासी एक पोजीशन हो गई थी, 124 पे 7 आउट हो गए थे, तो बड़ी ज़बरदस्त हार्दिक पांड्या साहब बॉलिंग कर रहे थे और कमाल ही किस्म का मैच चल रहा था। ये मैच तो जीता ही जीता मुंबई इंडियन। तो दोस्तों यहाँ ढोल वाले और म्यूज़िक वाले भी थे जो बार बार डिफरेंट स्टैंड्स में जा रहे थे और यार कमाल ही किस्म का भी म्यूज़िक बजा रहे थे। और वाकई वो जिस जिस स्टैंड में जा रहे थे वहाँ के लोगों की जो एक्साइटमेंट थी वो डबल ट्रिपल बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो जाती थी। क्या ही बात है। थोड़ा सा डांस किया भाई अपने इन जो ये बैंड बाजा बारात वाले आए थे और अपना भी हिस्सा डाला इस एक्साइटमेंट में। तो भाई एंड हैदराबाद सनराइज का एंड थोड़ा काफी बेटर था और देखते हैं वो मुंबई इंडियन क्या करती है। तो भाई मुंबई इंडियन ले गई है मैच, यार लग रहा था 79 पे 3 है, 8 ओवर हुए हैं, मेरा ख्याल है ले जाएगी, 174 का टारगेट है। तो यार 79 पे 3 मुंबई इंडियन ले के चला गया मैच। मतलब शुरू में लग रहा था काफ़ी टफ टाइम होने वाला है लेकिन ऐसा हुआ नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया मैच। तो यार सीन ये है कि मैंने ये नोट किया है, मैं काफ़ी गौर से देख रहा था कि लोगों का जो पैशन है अपनी मुंबई इंडियन टीम के साथ, आई एम श्योर जो दूसरे सिटीज़ हैं उनके साथ उनका होगा, आप देख सकते हो वो पैशन के साथ ये कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, वो एक आप कह लें कि उनका इमोशन जुड़े हुए टीम के साथ, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। तो भाई ले गया मुंबई इंडियन, ले गया। शुरू में लग रहा था मैच फंस जाएगा लेकिन वो तो वन साइडेड हो रहा, 3 आउट हुए थे शुरू में। अगर 2 को विकटें गिर गई मुंबई इंडियन की, 93 पे 3 है 10 ओवर्स में और 82 चाहिए 56 बॉल्स पे, अगर 2 विकटें गिर गई तो मैच फंस जाएगा और अगर 3-4 ओवर तक विकेट ना गई तो वन साइडेड है, मैं तो निकल जाऊँगा क्योंकि तो बाहर ट्रैफिक वगैरह सुना बहुत हो जाती है। अच्छा यार एक और बात पता लगी कि भाई आपके यार टिकट ब्लैक होते हैं, वो तो पता था होते हैं लेकिन इतने प्राइस पे तो मैं हैरान हो गया यार। और अभी मुंबई इंडियन जो है वो बाहर हो गई है, मतलब ये मैच ठीक है इंटरटेनमेंट के लिए फिर भी ब्लैक हो रहे हैं, तो आप सोचें। वो मेरे एक भाई बता रहे हैं मुंबई इंडियन और CSK का मैच था और उसमें जो 3,000 वाला टिकट है वो 20-25 हज़ार का सेल हुआ, अमेजिंग।
लो भैया सूर्या कुमार यादव ले गया मैच, ले गया जबरदस्त। सूर्या कुमार यादव सिंगल हैंडेडली भाई मैच ले गए 47 पे 47 चाहिए 44 पे। अच्छा भाई मैच तकरीबन वन साइडेड हो चुका है, सूर्या भाई ले गए हैं, तो हम चलते हैं अब, क्योंकि बाहर इतना रश हो जाएगा कि जब अगर ख़त्म हुआ मैच और तब निकले तो घंटा बाहर ही खड़े रहेंगे, ना उबर मिलेगी ना टैक्सी मिलेगी ना कुछ होगा, और पैसे भी डबल ट्रिपल मांगेंगे। तो चलें बाहर चलते हैं, बड़ा अच्छा लगा मैच देखे, उम्मीद है आपको ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, तो बाहर चलते हैं फिर आपसे बाय करते हैं। भाई जा रहे हैं, एक एक नज़र देख लें फिर वानखेड़े को, शायद ज़िंदगी में किस्मत कुछ भी कर सकती है, पहले भी कभी नहीं सोचा था मैं आऊँगा, लेकिन शायद कभी लाइव ना देख सकूँ वानखेड़े। बड़ा ही आइकॉनिक, बहुत ही आइकॉनिक है इंडिया में, तो यार सारे ही आइकॉनिक है यार। ईडन गार्डन क्या बात है, वो 1999 में मुझे टेस्ट मैच हुआ था चेन्नई वाला बेंगलोर, तो भाई जो मर्जी एक से एक है यार स्टेडियम, और हर एक की अपनी कहानी है, क्योंकि हमें ज़्यादातर याद है जो इंडिया पाकिस्तान के गेम हुए थे, उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा याद हैं। वानखेड़े में वो जो धोनी ने छक्का लगाया था वो जहन में है चीज़, क्या बात। अच्छा ये देखें कि मेरे पीछे, बिल्कुल पीछे ये ट्रेन का लोकल का स्टेशन है, तो मुझे कितनी उन्होंने सहूलत दी है कि भाई आप लोकल ट्रेन पे आएँ और बिल्कुल वानखेड़े के सामने आप आ जाएं, क्या बात है। ये है VIP बॉक्स, थैंक यू भैया, असल आप लोग हैं बड़ी दूर से आए हैं भाई, पहली बार आखिरी दफ़ा। तो भाई ये था मुंबई इंडियन, आज जीत गया है, बस आखिरी कुछ ओवर चल रहे हैं, तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई थी, बार बार खाने पीने वाले आ रहे थे, पानी का इंतज़ाम, और पानी वाला तो वाकई आपने देखा ही है क्या हुआ। बस ये है कि मौसम की वजह से थोड़ा सा था, ज़ाहिर है उसमें इंतजामिया कुछ नहीं कर सकते, और ये पीछे देखें कैसे बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, बुमरा क्या हुआ, और ये भाई साहब पता नहीं कौन है, ये भी है क्रिकेटर का पता नहीं, तो मोस्टली मुझे इंटरनेशनल का पता है, इस तरह हार्दिक पांड्या। तो चलें उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अपना आस पास वालों का ख्याल रखें, मोशी भाई का ऐसी पॉपर देते रहे।